सो हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी पीस होते हैं चेस के अंदर उनकी सही जगह क्या होती है, आपको कैसे रखना होता है, और आपको बेसिक्स इंट्रोडक्शन दिया था। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं पॉन्स का यूज़ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉन्स का यूज़ सीखेंगे, ए टू जेड जो भी चीज़ होती है प्यादों के बारे में वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा, चाहे वो मतलब प्रमोशन हो या एनपासमेंट चाल हो, जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ आज मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको पता ही होगा हमारे बी परफेक्ट चैलेंज पे चेस टूर्नामेंट भी चलता है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और पार्टिसिपेट करना बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चेस टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो मैं आपको एक वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आते हैं वापस। तो टोटल 8 पॉन्स होते हैं, चाहे वो वाइट हो चाहे ब्लैक हो, दोनों के पास 8 होते हैं। और आप देख सकते हो ये सभी के सभी बिल्कुल ऐसे आगे रखे होते हैं, ठीक है। और अब इनके मूव्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली आप जब मतलब इन्हें चलते हो, यानी कि जब आपका फर्स्ट मूव होता है, तो आप चाहो तो इन्हें डायरेक्ट मतलब एक स्क्वायर छोड़ के डायरेक्ट मतलब ऐसे चल सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ये चला। और अगर आप चाहो तो इसे सिर्फ सिंगल मूव भी चल सकते हो। और एक बात का बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, जो फर्स्ट मूव होता है ना उसी में ही आपको ये ऑप्शंस होता है, यानी कि जब आपके पॉन्स ऐसे रखे रहते हैं जहाँ पे मतलब ऑलरेडी जो प्लेस होते हैं, तो यहीं पर ही आपको मौका होता है चाहे आप इन्हें सिंगल चलो या एक ही बार में डायरेक्ट डबल चल दो, ठीक है। तो चाहे मैं कोई सा भी मतलब कोई सा भी पॉन हो, आप चाहे उन्हें सिंगल चलो या डायरेक्ट मतलब डबल चल दो एक ही बार में। और बट अगर बाय द वे आप एक मूव ऐसे चल लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइट वाला सिंगल एक मूव आगे की ओर कर दिया, एंड अब मैं ऐसे चाहूँ कि डबल चलूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर सिंगल ही सिंगल मतलब मूव करके आगे बढ़ेगा वाइट वाला, या तो मतलब मैं ऐसे डायरेक्ट ही एक बार में ऐसे चल दूँ, ठीक है। यानी कि सिर्फ फर्स्ट मूव पे आप पे ये एबिलिटी होती है कि आप उसे डायरेक्ट मतलब एक स्क्वायर छोड़ के मूव करा दो या एक एक स्क्वायर करके मूव करो, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ क्लियर। और दूसरी चीज़ पॉन्स की ये होती है कि ये सिर्फ मतलब आगे ही चलते हैं, कभी भी पीछे ही नहीं चल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये चला और फिर इस ब्लैक ने चल दिया, फिर इसने चल दिया, फिर ब्लैक ने चल दिया। अब मेरे पास देखिए, अब इस पॉन्स को मतलब चलने का कोई भी अब ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि सिर्फ सीधा ही सीधा चलते हैं, ये कभी पीछे नहीं आ सकते। अब मैंने पीछा करना मतलब पीछे रखना चाहूँ अपने इस वाइट वाले पॉन को, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ आगे ही चलेंगे। एंड अब ये दोनों ब्लैक और वाइट वाले जो पॉन्स हैं, दोनों आपस में मतलब ब्लॉक हो चुके हैं, दोनों में से कोई भी मतलब आगे नहीं चल सकता, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको एक बार ये एग्जांपल और दिखा देता हूँ। मान लो इसने चल दिया, तो अब ना ही ब्लैक के पास कोई मूव बचा, ना ही वाइट के पास कोई मूव बचा, ठीक है। यानी कि ये वाले भी पॉन्स अब हो चुके हैं ब्लॉक। तो आपको ये दूसरी चीज़ ये क्लियर होगी कि ये सिर्फ आगे आगे चलते हैं, पीछे नहीं चल सकते, सिर्फ इन्हें आगे की ओर चलना होता है। अब बात करते हैं ये जो पॉन्स होते हैं, ये इनसे मतलब आप किसी भी पीस को काट कैसे सकते हो, यानी कि आपको कैप्चर कैसे करना है, ठीक है, किसी भी पीस को। ये मैंने ये वाला अपना पॉन चला और इसने ये चल दिया, और फिर मैंने अपना ये चल दिया, और नॉर्मली हम मान लेते हैं ये ऐसे चल दिया और ये हमने ऐसे चल दिया। तो अभी जो मतलब ये जो वाइट वाला है, अब इस पे ना ये वाला जो वाइट वाला पॉन है, ये तो जाहिर सी बात है तो ब्लॉक हो गया, ये आगे चल ही नहीं सकता। और दूसरी बात, ये जो ये वाला पॉन है, अब मैं इसको चाहे तो एक मूव आगे भी कर सकता हूँ, बट अगर मुझे कट करना है तो ये सिंपली मैं इस ऊँट को ऐसे कट कर सकता हूँ, या तो ये जो मतलब प्यादा रखा है इधर पॉन, इसको ऐसे कट कर सकता हूँ। यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर होगी, जो पॉन्स होते हैं वो सिर्फ आगे की ओर चलते हैं, सीधे ही सीधे चलते हैं, एंड वो किसी भी पीस को तब काट सकते हैं जब वो पीस उनके साइड में हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये बिशॉप रखा है, मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ या इस पॉन को ऐसे कट कर सकता हूँ, यानी कि हमेशा तिरछा ही काटेंगे, ठीक है ना। कुल मिला के हमेशा सिर्फ तिरछा ही काटेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये भी चल दिया, तो अब मैं इससे चाहे तो इसको ऐसे आगे चल सकता हूँ अपने इस वाइट वालों को, या मैं चाहूँ तो इस ब्लैक वाले इस पॉन का से काट सकता हूँ। यानी कि हमेशा तिरछा ही कट करते हैं और सीधे सीधे चलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और कुल मिला के जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो इसने अपना हॉर्स चल दिया और हमने अपना प्यादा फिर से ऐसे चल दिया और ये फिर से ऐसे चल दिया। तो अब ये जो हमारा वाइट वाला पॉन है, ये चाहे तो इस हॉर्स को भी ऐसे काट सकता है या इसको भी ऐसे काट सकता है, ठीक है ना। और अगर मैं आगे चलना चाहूँ तो ऐसे आगे भी चल सकता हूँ, ओके गाइज। तो ये बात बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिर्फ तिरछा ही काटते हैं, कभी अपने सामने वाले पीस को नहीं काटेंगे। अगर इन्हें अपने मतलब पीस को ही काटना है, तो वो उसके मतलब बगल में होना चाहिए, वो भी ऐसे तिरछे में, ठीक है। आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी।
तो गाइस ये जो एन पासमेंट मूव है काफ़ी कमाल का मूव है और इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो इसको चलने के लिए सिंपली आपको करना क्या होता है, अपने पोन को मतलब पाँचवीं पोजीशन पर लेकर आना होता है। जैसे कि मैं अगर इस वाइट की बात करूँ तो ये अपने मतलब जब ये पाँचवें इस पर आ जाएगा ना, इस वाले पॉइंट पे, ये रहा इसका पाँचवा पॉइंट ये वाला है, तब इसको ये मूव मिलेगा। और ऐसे अगर मैं ब्लैक की बात करूँ तो इसको अपने मतलब पाँचवें स्क्वायर पर आना पड़ेगा तब इसे मूव मतलब मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे गिन सकते हो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर ही आ गया अपने, और ऐसे 1 2 3 4 5, ये जो वाइट वाला ये भी अपने 5वें नंबर पर आ गया। ठीक है, तो अब इन दोनों पोन की मतलब एबिलिटी हो गई है एन पासमेंट चाल की। मान लो ये ब्लैक वाले ने ऐसे आगे की ओर चल दिया, ठीक है ना, तो अब ये आपको तो मैंने बताया कि ये सिर्फ मतलब सीधे सीधे चलते हैं पोन्स और तिरछे में काटते हैं, बट जब ये अपने 5वें स्क्वायर पर आ जाते हैं ना, तो ऐसे में इनको एक और एबिलिटी मिल जाती है कि वो इस पोन्स को मतलब ऐसे यहाँ पे चल के मतलब इस पॉइंट को काट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी देखा आपने, ये मैं यहाँ पे चल के इस पॉइंट को कट कर सकता हूँ, इस वाले प्यादे को मतलब कट कर सकता हूँ, या मैं इसे ऐसे सीधा भी चल सकता हूँ, तो ऐसे में ये कटेगा नहीं। तो एन पासमेंट चाल यही होती है, ये हमेशा 5वें स्क्वायर पे पोन्स को मिलती है। ठीक है, तो अब मैं चाहूँ तो इसके ब्लैक वाले पोन्स को ऐसे कट कर सकता हूँ जस्ट इसके ऐसे पीछे रख के, ओके गाइस। और अगर मैं सीधा चलना चाहूँ तो सीधा चल सकता हूँ, बट बाय द वे अगर इसने सिर्फ ऐसे सिंगल चला और फिर इसने ऐसे सिंगल ऐसे आगे की ओर चला, तो अगर अब आप चाहो तो अब इसको नहीं काट सकते, अब बस आपको सीधे चलने के ऑप्शंस मिलेगा, आप इसको मतलब काट नहीं सकते अब इस ब्लैक वाले पॉन्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एन पासमेंट चाल होती है ना, वो तभी मिलते जब मतलब फर्स्ट मूव मतलब डायरेक्टली जो मतलब ऐसे डायरेक्ट रख देता है। ठीक है, इस ब्लैक वाला जब तक ये डायरेक्ट नहीं रखेगा ना अपना इसके बगल में, तब तक वाइट वाले को ये एन पासमेंट नहीं मिलेगी। अगर ये सिंगल सिंगल करके रखेगा तो नहीं मिलेगी, अगर ये डायरेक्टली ऐसे रख लेगा तो इसको मिल जाएगी, ऐसे कट कर लेगा, चाहे वो ये वाला प्यादा क्यों ना हो, जैसे ये रखा तो भी हम ऐसे कट कर सकते हैं, बट वहीं पर अगर ये सिंगल सिंगल कर कर आएगा तो भाई मैं नहीं कट कर पाऊँगा। ठीक है, तो बस ये सीधे चलने का मेरे पास ऑप्शन रहेगा। तो अब आपको एन पासमेंट भी चाल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब कोई मतलब हमारा जो पॉन होता है जब वो अपने 5वें स्क्वायर पर आ जाता है, अगर ब्लैक है तो हम ब्लैक साइड से 5वां स्क्वायर गिनेंगे और वाइट है तो वाइट साइड से हम मतलब 5वां स्क्वायर गिनेंगे, तब उनको ये एन पासमेंट चाल मिलती है। तो अब एक बार हम ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो ब्लैक वाला देखिए पॉन यहाँ पे ये रखा है, बाय द वे मैं मानता हूँ कि ये जो वाइट वाला ये ऐसे आगे की ओर चलता है, तो ऐसे में जो ब्लैक वाला है ना इसको एन पासमेंट मिल जाती है, ऐसे चल के उसको कट कर सकता है। ठीक है, याद रहे तिरछा ही चढ़ना होता है, जस्ट इस वाइट के पीछे रख दूंगा मैं अपने इस पोन को और ऑटोमेटिक वो कट हो जाएगा। ठीक है, तो एन पासमेंट चाल ऐसे मिलती है। और एक बार मैं आपको दूसरी जगह से भी दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो देखो यहाँ पे भी मतलब जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, सॉरी ब्लैक वाला जो पोन है वो यहाँ पर आ चुका है अपने 5वें स्क्वायर पे, एंड ऐसे में अगर ये वाइट वाला चल देगा, जैसे कि वाइट वाले ने ऐसे चल दिया, तो ये फिर इसको ऐसे कट कर सकता है, इसको एन पासमेंट ऐसे मिल जाएगी। ओके गाइस, और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर सिंगल करके चलेगा तो जाहिर सी बात है इसको फिर ये वाला मूव नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर सिर्फ इसको आगे ही चलना पड़ेगा। तो एन पासमेंट चाल आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ यही रूल होता है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, अगर डायरेक्टली चलेगा तभी आपको एन पासमेंट मिलेगी, अगर वाइट पोन ये डायरेक्ट मतलब दो मूव आगे की ओर चलता है तभी इस ब्लैक वाले पोन को एन पासमेंट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो आपको ये हमेशा गेम खेलते वक्त याद रखना है, जब भी आपका पॉन मतलब 5वें स्क्वायर पर आ जाए तो ऐसे में समझ लो कि उसका एक प्रमोशन तो हो ही चुका है, वो एन पासमेंट चाल चल सकता है। और बाय द वे कोई भी मतलब उसका पॉन डायरेक्टली चलता है आपके अपोनेंट वाला बंदा, आप उसका ऐसे कट कर सकते हो। ठीक है, ये रूल होता है। और अब हम बात करते हैं आखिरी यूजेस के बारे में, जो कि सबसे ही मेन यूज़ है पॉन्स का। और बाय द वे इस चीज़ को अगर कोई कर लेता है तो समझ लो चार धाम की यात्रा कर लेता है। तो जब आपका पॉन बिल्कुल लास्ट में आ जाता है अपने लास्ट वाले स्क्वायर पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो वाइट वाला है ये मतलब सेकंड लास्ट पर आ चुका है, एंड नेक्स्ट मूव जो है वो मतलब वाइट का ही है, तो जैसे ही मतलब अपने वाले लास्ट वाले पर आ जाएगा तो इसे मतलब प्रमोशन का मौका मिल जाएगा। तो चाहे आप चाहो फिर इस पॉन को क्वीन में बदल सकते हो, जैसे कि देखिए मैंने बदल दिया, या आप चाहो तो मतलब इसको रूप में बदल सकते हो, या जो भी चीज़ आपको मन करे उसमें आपको बदल सकते हो, सिर्फ किंग को छोड़ के, किंग तो एक ही होता है। तो जब आपका पोन बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है तब उसको ये प्रमोशन का चांस मिल जाता है, चाहे किसी भी स्क्वायर पे पहुंचे लास्ट में। ठीक है, एंड बाय द वे अगर आपका पोन लड़ते मरते झगड़ते किसी तरीके से लास्ट पर आ जाता है तब उसको प्रमोशन मिलता है।
और अब हम बात करते हैं, नॉर्मली जब हम घर पे प्ले करते हैं तो ऐसे में होता है क्या है, हमारे पास एक ही क्वीन होती है, चाहे वो वाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, ठीक है ना। तो ऐसे में बाई दे वे कोई मतलब खेलते वक्त लास्ट में प्रमोशन के तौर पर आ भी जाता है, उस पर ऑलरेडी क्वीन जिंदा होती है, फिर भी वो मतलब दूसरी क्वीन जिंदा करना चाहता है। तो ऐसे में जो मेन मतलब सॉल्यूशन उस चीज़ का है वो यह है कि ऐसे में आपको उसी चीज़ को मतलब ज़िंदा करना चाहिए जो चीज़ आपकी मर गई हो। फॉर एग्जांपल मान लो आप पे दो हाथी होते हैं, एक हाथी कट हो गया आपका ऑलरेडी एंड आप बिल्कुल प्रमोशन पर आ चुके हो और आपका मतलब वजीर वगैरह हर एक चीज़ ज़िंदा, बस आपका एक हाथी कटा था। तो ऐसे में जब आप फोन के बदले प्रमोशन करो तो आप हाथी को ज़िंदा कर सकते हो। ये मतलब मैं ऐसी बता रहा हूँ, बाकी नॉर्मल तो होता ही है कि आप मतलब एक गेम के अंदर दो दो क्वीन भी ज़िंदा कर सकते हो, तीन तीन क्वीन भी ज़िंदा कर सकते हो। नॉर्मली देखिए जैसे कि मैंने वाइट की वाली क्वीन ज़िंदा कर ली और अब मैं चाहूँ तो इस वाले फ़ोन से एक और क्वीन ज़िंदा कर सकता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर देखिए वाइट की एक क्वीन है, तो मैं चाहूँ इस वाले को मतलब इस वाले फ़ोन से फिर से प्रमोशन करके दो दो क्वीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी मर्ज़ी चाहे मैं क्वीन ज़िंदा करूँ चाहे मैं हाथी ज़िंदा करूँ, तो ऐसे में मतलब दो दो क्वींस भी हो जाती है। बट तो ऐसे में कभी कभार मतलब घर पे बहस हो जाती है खेलते वक्त कि यार तू दो दो क्वीन कैसे ज़िंदा कर रहा जब है नहीं। तो ऐसे में यही सोल्यूशन है कि जो चीज़ आपका मरा हो आप उस चीज़ को ज़िंदा कर लो, ठीक है। तो मेरा ये जो फ़ोन है मैं इससे अपना ऊँट ज़िंदा करूँगा, वैसे मैं चाहूँ तो क्वीन भी ज़िंदा कर सकता हूँ बट मैं ऊँट ही करूँगा। ये चीज़ ये मैं आपको मतलब सिर्फ घर के लिए बता रहा हूँ, जब आप घर पे प्ले करते हो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो तो आपस में मतलब पहले से डिसाइड करके खेलना कि भाई अगर तेरे को तेरे पॉन्स को प्रमोशन मिलेगा उसी चीज़ को ज़िंदा कर सकता है जो चीज़ तेरे पास गेम के अंदर ना हो, ठीक है। तो इससे मे भी आपके थोड़े मतलब घर में लड़ाई कम हो गेम खेलते वक्त। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अब आपको फ़ोन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया इनकी इनकी चाल कैसी है और इनके प्रमोशन कैसे होता है एंड पासमेंट क्या है। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।